सजनो, ये जूनागढ़ का रहने वाला सेठ मगलूमल, इसका पुत्र नरसी, ये 56 करोड़ का आसामी था। लेकिन नरसी के घर में कुछ अनर्थ की कमाई प्रवेश कर गई थी, इसलिए भगवान कृष्ण ने नरसी को बैराग उत्पन्न करवाया था। जब नरसी को बैराग हो जाता है, 56 करोड़ की संपत्ति कृष्ण के नाम पर नरसी लुटा करके फकीरी ले लेता है। एक तरह करताल ले लिया, राख रमाली, सूरदासों का साथ कर लिया। नरसी की एक बेटी जिसका नाम, जो नानी बाई नगर अंजार में ब्याई थी, नानी की बेटी हरनंदी, उसकी शादी की, शादी के अंदर नरसी को बात नहीं उतरने की। जब चर्चा चली तो ये चर्चा भी चाल गई कि भाई धन संपत्ति सब कुछ लुटाकर जो फकीरी ले चुका है उसके पास में लेना देना कुछ है नहीं। भात की चिट्ठी देने का अपना फर्ज बनता है, लेकिन भात की चिट्ठी इस ढंग से लिखवाई जाए कि वह सामग्री सामान नरसी का नहीं, नर भाई नरसिंह डाबा को विचार करे ना। जब इस प्रकार की चर्चा को सुनकर के नानी बाई इस बात का बहुत गहरा विचार करती है कि भाई दुनिया में पैसे की पूजा होती है। आज मेरो बाप लो संपत्ति न लूटा तो ये वातावरण मेरे सामने पैदा कौन हो। तो नानी बाई कहने लगी, अरे मेरा बाप लबनो फकीर रे कित बात नो बाजाऊं, ओ मेरा बाप लबनो फकीर रे कित बात नो बाजाऊं, ओ जी मेरा बाप लबनो फकीर बाजा।
नानी भाई की दौरानी जिठानी कहने लागी कि बाबला का भरोसा क्या चुंदड़ी की आस करे, क्यों धन संपत्ति सब कुछ लुटा कर जो फकीरी ले चुका उसके पास में के लेने देना है। तो कहने लागी, ए जी बाबलो मोड़ा मेरा लगो कैया आवेलो, ओ कैया आवेलो, अरे कुन तेरे बात भरे लो ये नानी भाई, कुन तेरे बेस लावे लो, कुन तेरे बात भरे लो ये नानी भाई, कुन तेरे बेस लावे लो, बाबलो मोडा में रड़गो कहीं आवे लोर, कुण तेरे भात भरे लो ना नी कुण तेरे बेसे ले। कहने लागी, नरसी जी तो साधु बन गो सूरा संग डेरा, हम्बे सूरा संग डेरा, ए नानी भाई ढनक ढनक मत रोवे कर करे गेल काहेरा, नानी भाई ढनक ढनक मत रोवे कर करे गेल काहेरा, नानी भाई से नरसी की दान नानी का देवर नारायण से भात की चिट्ठी लिख बाबा लागी रे नारायण, जिया जो मैं बताऊं वह सामग्री लिख दे ताकि नरसी ने न आ सके, क्यों नरसी अकेलो आनो को ना, 15-16 एक सूरदास वह आटा की मशीन में के साथ चलने, यारा प्यारा रिश्तेदारा में अठे बहुत बुरी अड़काई करा जाए लो। तो लिखवाने लागी, अरे तेरी बुडली ब्यान की नरसी आई छे सल्ला, ओ आई छे सल्ला, अरे मेरा पग धोबा ने लाजे नरसी सोना की सिल्ला, रे मारा पग धोबा ने लाजे नरसी सोना की सिल्ला, रे मेरा पग धोबा बुडली जान की नरसी आई छे सल्लार, मेरा पग धोबा ने लाजे नरसी सोना की सिला, भात की चिट्ठी में लिखवा दी सोना की सिला पर पग धोंगी तेरे कने हुए तो लाजे नहीं आबा की बिटाल कर दीजिए। अब नरसी को कठे भूतो पण और भी लिखवा दी नी, अरे 20 मन तो रोली लाजे 25 मन कजलो, हम्बे 25 मन कजलो, अरे नरसी भात भरन ने आवे तो लाजे तेरो जूना घटी सगड़ो, रे नरसी भात भरन ने आवे तो लाजे जूना घटी सगड़ो, रे नरसी भात भरन आवे तो रे लाजे जूना घटी सगड़ो, रे नरसी भात भरन आवे तो रे लाजे जूना घटी सगड़ो, ओ जूना घटी सगड़ो, रे के नरसी जूना घटी सगड़ो, मन रोली 25 मन कजड़ो और भात भरवाने आवे तो लाजे तेरो जूना गड़ सकड़ो। अब नरसी को कठे भूतो ए ने बुलावा का काम सा, 20 मन रोली सुके गांव का की भीत थोड़ी पोतनी थी
और 25 मन काजल सुके गांव गांव कालो मुंडो थोड़ी करनो छो। पण भाई ओतरो थिएटर योत्रो सामान नरसी के नवे नार भाई नरसी इंडिया आवा को विचार करे ना। इस प्रकार की बात की चिट्ठी नरसी के पास में चली जाती है। नरसी बात की चिट्ठी ने लेर भारो राजी हुयो। देखे भाई जिम्बा को न्यू तो चोखो मजा को दिन तीन को आ लियो। बात की चिट्ठी को लेकर के नरसी अपने भाइयों के पास में चला गया। जाकर कहने लगा, लो भाई भीड़ पड़ी में भाई ने भाई पजो खजे, और भीड़ पड़ी में भाई भाई की मदद करने का फर्ज होता है। यह भात की चिट्ठी आई से चालो और बनती माँ उसे चूड़ो कांचड़ी ले चालो। तो कहने लगा, भाई भाया सु नरसी बतलावे भात में चालो, भात में चालो, अरे थारे बनती में आवे सो सूड़ो कांचड़ी गालो, रे थारे बनती में आवे सो सूड़ो कांचड़ी गालो, थारे बनती में आवे सो सूड़ो कांचड़ी गालो, रे थारे बनती में आवे सो सूड़ो कांचड़ी गालो, कांचड़ी गालो, रे सूड़ो कांचड़ी गालो, थारे बनती में आवे सो सूड़ो कांचड़ी गालो। सजनों, भाई बनी बनी के साथ ही होते हैं। भाई नटगारे नरसी शर्म खा, तेरे कने फूटी कोडी को सलीको को नर मारे भाया का भरोसे, या भात की चिट्ठी लिया डोले से, बता मैं तेरी कथी की मदद करांगा, और यारा प्यारा रिश्तेदारा में मारी शान गठावा तेरी साथ खोना चाला, तेरे जैसे तो जार चाहे मत जा। नरसी कहने लगा, यारो भाई कहलाओ जो मेरी बेटी है भाई, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मेहरबानी करो यारो मैंने पहुंच पाने साधन को ना को जरूर दो। तो एक टूटी फूटी गाड़ी थी, बत गाड़ी संभड़ा दी, थक्या मरा बैल छा जैकि नाथ काटर गांव के बाहर छोड़ दिया था, वह बैल संभड़ा दिया। नरसी थक्या मरा बैला ने पकड़ लियो, भी टूटी फूटी गाड़ी का जूड़ा तले दे दिया, अपना पूरा स्टाफ ने बैठा लियो, साथ में 16 सूरदास ज्ञानदास मानदास ध्यानदास भगवान कृष्ण का नाम लेकर के वहां से गाड़ी को रवाना कर देता है। अब नरसी की गाड़ी चलती चलती नरसी का बैल बूढ़िया बाजार का बीच में गोडी गाड़ देनी, सूरदास न्यारा न्यारा गुड़गा माटी झाड़ झाड़ उठाया, बोला रे नरसी भाई मैं तेरी साथ कौन चला, या तेरी गाड़ी या तेरी एम्पाला ने जानो उजाड़ में कठे रुक जाए इन जिम्बा की टाली कर देंगा। कहने लगा, भाई रे नरसी जी का बैल बूढ़िया गैला में अड़गा, ओ गैला में अड़गा, अरे नरसी पूछ पकड़ कर ठावरे सारा तू मेरा गुड़गा, रे नरसी पूछ पकड़ कर ठावरे सारा तू मेरा गुड़गा, नरसी पूछ पकड़ कर ठावरे सगड़ा तू मेरा गुड़गा, रे नरसी पूछ पकड़ कर ठावरे सारा तू मेरा गुड़गा, ओ तू मेरा गुड़गा, रे कि नरसी तू मेरा गुड़गा, नरसी पूछ पकड़ कर ठावरे सारा तू मेरा गुड़गा, नरसी पूछ पकड़ के ठावरे सारा तू मेरा गुड़गा। नरसी का बैल बूढ़ा गैला में अड़गार, नरसी पूछ पकड़ कर ठावे सारा तू मेरा गुड़गा। नरसी सूरदासा की माटी झाड़ बैला पुचकार मांगा, गुस्सा ने शांत करियो, गांव का 5 आदमी बुलाया, बैला ने खड़ा करवाया, सूरदासा ने गाड़ी में बिठा लिया, बोले भाई आंधा थे सो मेरे दो आंख से थाने सब ने काम आऊंगी, अगर भी दुख कोने पापा दूंगा बेचिंता रहो। दुख सुख पार नरसी गांव से बाहर निकलो, अपने प्यारे भक्त नरसी को दुखी देख करके भगवान कृष्ण खुद खाती बन करके आ जाता है। नरसी की जाती गाड़ी ने रोक ली, कहबा लगो यार माने भी तेरी गाड़ी में बैठा ले। नरसी कहने लगे, तेने शर्म को ना हो, मेरे कुटुंब तो कौन घिस रहे, किसना खाती करने लगे, बोल भाई तेरी गाड़ी को खोट मेरा सू कतई छानो को ना, तेरी गाड़ी ठीक करूंगो, मेरे यथास्थान में भी पहुंच जाऊंगा, तेरे ठिकाने तने भी पहुंचा दूंगा, क्यों विश्वास कर, जात का खाती हूं किसना मेरा नाम है, रथ बैल गाड़ी गढ़ता हूं यही मेरा काम है। तो कहने लगा, ए जी हाथ में करो ती कांदे बीनणो पाती, ओ बीनणो पाती,
अरे तेरी गाड़ी ने सुधरा ले किसनो आ गयो खातिर, तेरी गाड़ी ने सुधरा ले किसनो आ गयो खातिर, तेरी गाड़ी ने सुधरा ले किसनो आ गयो खातिर, तेरी गाड़ी ने सुधरा ले किसनो आ गयो खातिर, ओ आ गयो खातिर के किसनो आ गयो खातिर, तेरी गाड़ी नरसी की आज्ञा पाकर के कृष्णा खाती गाड़ी में बैठ जाता है। बैलों पर हाथ रखते ही थके मरे बैल रंगे संगे नालडे हो जाते हैं, क्यों त्रिलोकी का नाथ कृष्ण खुद था। टूटी फूटी गाड़ी एकदम नहीं हो जाती है, थके मरे बैल रंगे संगे नालडे हो जाते हैं, नरसी की गाड़ी वहां से पवन बेग उड़ना शुरू कर देती। जब नगर अंजार के पास में नरसी की गाड़ी चली जाती है, कृष्णा खाती जो गाड़ी वाहन था वो अंतर ध्यान हो जाता है। नरसी का हाल बेका बे पहलाड़ा हो लिया, थके मरा डांगरा टूटी फूटी गाड़ी सोला सूरदास रे एक आप। नरसी सूरदास से बतलायो, बोले भाई अपनी गाड़ी को ड्राइवर न जाने कठे गयो, लेकिन आप अभी के भरोसे कौन रिया, गांव के गोर आगा बेटी नानी का द्वार पर सालो, अब ठाठ बार तो कौन सा बैंड बाजा लिया सापा, सारो कुटुंबो आंदो, पर बना ले भाई रेलगाड़ी एक की लकड़ी एक पकड़ लियो, इंजन में सुथाने ठिकाने ले चाल सू। नरसी सूरदासा की लैन बना ली, बेटी नानी का द्वार का नी लेट चल पड़ो, बाजार का बीच में पहुंचा और सूरदास आपको स्पेशल बैंड बजा दियो, सोला सूरदास जाकर सोला शंख एक साथ तांडर फूंक दी, बड़ा गांव का ढांडा भी चिमका दिया। इसी हालत में नरसी बेटी नानी के द्वार पर चला जाता है। नानी आपका बाप ने देखकर बड़ी शर्मिंदी होगी, कब अलागिर बाबल्या इन चुंदड़ी की सबर कर लेती, न आतो तो भी ठीक ही छो। जब नरसी का अपमान वहां पर होने लग जाता है तो गांव का पंच पटेल मुखिया आदमी कब अलग बर भाई घर पे आया और वहां का जाया बराबर होता है, यो आगो अगर इसका आदर नहीं कर सकते हो तो अनादर भी मत करो, और यारा प्यारा रिश्तेदार सु थाने शर्म आवे से गांव से बाहर डेरो दिवा दो, अभी कोई जाने जब कोई कौन जाने, अभी वहीं इसका खाना दाना पहुंचाते रहेंगे। तो नरसी का डेरा गांव से बाहर एक गुजर को रेवाड़ो जिम भेट बैठे जी, और तो किसोक रेस्ट हाउस मिले छो, ना खाटा पर गुजड़ा ना खाटा पर बाण, सिया मरता सूरदास मारे जमी में ताण, अब जिम्बा का भूखा सूरदास से लगा ठे चींचड़ दया माखी मच्छर खबर ला गया, खोर खोर खून काल दिया। उधर से भात की टाइम एकदम नजदीक सांकड़ी आ जाती है, नानी भाई दौरानी जेठानियों के बोल सुन सुन करके परेशान हो जाती है, तो नानी भाई खुद भगवान से टेर लगाने लगी, कहने लगी दीन बंधु दीनानाथ भक्तों का साथी तू सदा से होता आया है, यो मेरो भोड़ो बाबलो तेरे भरोसा आयो, अब मेरी लाज तेरे हाथ में। तो नानी भाई खुद भगवान से टेर लगाने लग जाती है। आसिरो छोड़ आसिरो अब ले लियो कृष्ण कन्हैया को, हे बनवारी आज माय रो भर जाना नहीं भाई को, हे बनवारी आज माय रो भर जाना नहीं भाई को, और आसिरो छोड़ आसिरो ले लियो कृष्ण कन्हैया को, हे बनवारी आज मायरो भर जाना नी भाई को, हे बनवारी आज मायरो भर जाना नी भाई को, भर जाना नी भाई को रे भर जाना नी भाई को, हे बनवारी आज मायरो भर जाना नी भाई को, हे बनवारी आज भगत उबारण संकट टारण चार वेद महिमा गाई, झांझा भर पड़ी भगतों में तांता आन करी सहाई, ओ झांझा भीड़ पड़ी भगतों में तांता आन करी सहाई, पृथ्वी लाकर सृष्टि रच दी भार भयो सतयुग माही, अपनो समझ प्रहलाद
खुद भगवान से टेर लगाने लगी, कहने लगी, भगवान भक्तों का साथ तू सदा से होता आया है। अपने प्यारे प्रहलाद भगत के प्राणों की रक्षा करने के लिए तू खंभ में से प्रकट हुआ था। जैसे सैन भगत उसकी लाज बचाई तने, तू खुद नाई का रूप बना करके राजा के महलों में दाढ़ी बढ़ाने के लिए गया था। तो बता, आज मेरी बिना कठे जाएगो? और भी भक्तों की तने लाज राखी, जैसे अरे काछे माछी अवतार दार प्रभु सुरनर की इच्छा पूरी, अर्धरैन गजराज पुकारो गरुड़ छोड़ पहुंचा दूरी, ओरी अर्धरैन गजराज पुकारो छोड़ पहुंचा दूरी। बस मासुर का भस्म किया था खुद ही जाय बनो हूरी, नारद की नारी ठगली ने खुद ही जाय जड़ो समरी, ओ नारद की नारी ठगली ने खुद ही दारी छड़ो समरी। बावन हो या बलि को छलियो कीनो काम ठगाई को, हे बनवारी आज मायरो पर जाना नहीं भाई को, हे बनवारी आज मायरो पर जाना नहीं भाई। नानी नानी भाई भगवान से टेर लगाती। उधर से सूरदासों की हालत देख करके नरसी बड़ा दुखी हो जाता है, तो नरसी खुद भगवान से टेर लगाने लगा, कहने लगा कि भगवान जितना दुख तकलीफ देना हो वो मने दे ले, क्यों सूरदासा को दुख मेरा से करती भी कौन देखो जाए। तो नरसी खुद भगवान से टेर लगाने लग जाता है। अरे नरसी लो टेर लगावे रे आजा रे घनश्याम, नरसी लो टेर लगावे रे आजा रे घनश्याम, नरसी लो तो टेर लगावे रे आजा रे घनश्याम, नरसी लो टेर लगावे रे आजा रे लगावे रे, ओ
बारी रे आजा रे घनश्याम नरसीला ठेर लगावे रे आजा रे घनश्याम नरसीला तो ठेर लगावे रे आजा रे घनश्याम ठेर लगावे रे आजा रे Yes, it's in the scene.